फेसबुक पे नाचे गावे से जंग लड़ना हो जाता है, तुमको जंग लड़ना है तो सड़क पर उतर के जंग लड़ो, उनके लिए आवाज उठाओ। आप लोग नेहा सिंह राठौर का विरोध कीजिएगा। अरे एकदम लतखोर, उसका विरोध क्या करना है महाराज, नेहा सिंह लतखोर। सनी लियोन भी पूरे संपूर्ण वर्ल्ड में है, तो ओकरो से तुलना इसका करिए ना, वो फेमस है। नेहा सिंह यह लतखोर है, राठौर नहीं है। राठौरों का जमाना कुछ और था और राठौर बहुत अच्छी तरीके से बातों को समझाया करते थे। अरे सब बढ़िया है कि आप रोड पे गाइए, ट्रेन में गाइए, दो चार गो पैसों मिलेगा। कभी खेसारी पवन का अपमान कर देती है, कभी किसी, अरे यह एक लड़की होकर के अपने आप को सोचती है कि हम जो बोलेंगे वो सही है। काबा फेम नेहा सिंह राठौर अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट करती है, ट्वीट करने के बाद बवाल मच जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, भाषा शब्दों का मर्यादा तोड़ते हुए ऐसा शब्द लिखती हैं जिसे पढ़ के भी लोग शर्मसार हो जा रहे हैं। शब्द ऐसा है कि हम अपने मुंह से बोल भी नहीं पा रहे हैं। अभी हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट हैं। क्या आपने नेहा सिंह राठौर वाला जो ट्वीट है पढ़ा है? यश राम जी, हमने वो ट्वीट को पढ़ा है। और उस ट्वीट में वो अपने मर्यादा का उल्लंघन खुद कर रही है। वह एक नारी होने के पे ऊपर भी एक सवाल पैदा करी कि वह नारी है या कुछ और है, वो खुद सवाल वो कर रही है। क्योंकि अगर प्रभु श्री राम के ऊपर वह सवाल कर रही है कि प्रभु श्री राम ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, तो उनको पता होना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतने गुणवत्ता पूर्वक महिलाओं का सम्मान करते थे और महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने जो कुछ किया है शायद इनको पता नहीं होगा। लेकिन इनको एक कहानी में बता देना चाहता हूं, नेहा सिंह लतखोर को, कि आपको मैडम जानकारी होना चाहिए, जब एक सुपनखा जाकर के राम जी को पिंच करती थी और कहती थी कि तू है सुंदर वर मेरे से विवाह कर लो, तो राम जी ने कहा कि मैं एक विवाहित हूं, तुम कहीं और जाओ। तो उन्होंने फिर लक्ष्मण को पकड़ लिया, तो लक्ष्मण जी ने बोला कि अब इसका लगता है कि नाक काटना ही पड़ेगा। और उस सुपनेखा एक महिला ही थी, लेकिन जब वह गलत की तो उसका नाक काटा गया और लक्ष्मण जी के द्वारा नाक काट करके यह साबित किया गया कि सुपनेखा एक नक्कटी है जिसको चलने नहीं आता है और उसके अंदर खोट है। वह एक महिला होकर के शादीशुदा पुरुष के ऊपर गलत टिप्पणी करती है, शादी विवाह के लिए प्रवोक करती है। तो वैसा ही हाल नेहा सिंह राठौर का, एक राम भक्त के ऊपर ये आलोचना करे तो यह गलत है। तुमको राम भक्त नहीं, तुम तो खुद एक रावण भक्त भी नहीं हो। रावण के जैसा ही बन जाओगी तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन तुम एक किसी पार्टी की दलाल हो। तुम्हारे अंदर प्रोपेगेंडा ये चलते रहता है कि हम कैसे मोदी जी को, योगी जी को गलत साबित करने में लगे रहे। उनका दिन भर का यही काम है, एक गाना दो चार को लिख लेंगी, दो लाइन का अंतरा लिख लेंगी और गाते चलेंगी। अरे से बढ़िया है कि आप रोड पे गाइए, ट्रेन में गाइए, दो चार को पैसों मिलेगा। असहिये घरवा में वो लगता है हस्बैंड तबला बजाता है झाल, आई अपने बकर बकर वो लालटेन लगा के गाते रहती है। अरे कम से कम तुम नेहा सिंह राठौर फेमस है अपने गानों की वजह से, काफी चर्चा में रहती हैं, जो अपने गानों के माध्यम से सरकार को टारगेट करती है तो काफी वो चर्चा में बनी रहती है। फेमस तो सनी लियोन भी पूरे संपूर्ण वर्ल्ड में है, तो ओकरो से तुलना इसका करिए ना, वो फेमस है। मतलब गाना गा दीजिए या कुछ होगा करके, एगो भोजपुरियों में गाय वाला सब ढेर है, एक से एक गाना गाता वो सब ट्रेंडिंग में चलता है, तो उससे ही बड़ी थोड़ी है। कभी खेसारी पवन का अपमान कर देती है, कभी किसी, अरे यह एक लड़की होकर के अपने आप को सोचती है कि हम जो बोलेंगे वो सही है। ऐसा नहीं है, इसको भी जवाब देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोग भाई राम भक्त हैं, हम लोग मर्यादा में रहते हैं, नारियों का सम्मान करना आता है। लेकिन अगर ये चाह रही है कि राम भक्त के ऊपर टीका टिप्पणी करके ये निकल जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा। राम भक्त किसी भी महिलाओं का अपमान नहीं करते, वो सदैव सम्मान करते। और जितना गंदा इन्होंने शब्द दो बार प्रयोग किया है ना, शायद राम जी के लिए उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद राम भक्तों के लिए भी उन्होंने प्रयोग किया। एक बार उनका ट्वीट देखे आप लोग कोई भी जाकर के, नेहा सिंह राठौर का, कि वो हम बोल नहीं पा रहे हैं, जितना गंदा लफ्जे का उन्होंने प्रयोग किया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर यह झांकती होंगी कि हम ऐसे हैं इसलिए ना वैसा लिख रही हैं। वो राम जी पे सवाल कर रही है, राम भक्तों पे सवाल कर रही है, लेकिन तुम पे सवाल पहुंचा होगा जब उनके कमेंट बॉक्स में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। किया जाएगा प्रयोग, अगर कोई कर रहा है प्रयोग तो सही कर रहा होगा। अगर आप कहीं गलत बोल रही है तो आपको बोलेगा लोग, अगर उस चीज को आप जान, उसको ऐसा नहीं लिखा होगा जिस प्रकार से वो चीज लिखी है ना, वैसा कोई नहीं लिखा होगा। वो जितना गंदा शब्द का प्रयोग किया कोई पुरुष भी नहीं लिख सकता है एक महिला के खिलाफ। लेकिन यह महिला कहां तक सही है कि कभी एक सन्यासी के ऊपर गलत शब्द का प्रयोग करती है, योगी जी जैसे संत के ऊपर गलत शब्द का प्रयोग करती है। गलत शब्द का उन्होंने प्रयोग योगी जी के ऊपर नहीं किया था, बस विरोध क्या था, बस पूछा था कि यूपी में काबा क्या नहीं है, यूपी में उनको नहीं दिख रहा होगा क्या है यूपी में, तो इसीलिए ललटेन लगाई है। चार ग्लास का पावर और लगा ले, दो चार पावर और बढ़ा ले, शायद दिख जाए उनको। अभी नहीं दिख रहा है, टीना का चश्मा तब पहनती है इसलिए नहीं दिख रहा है, शीशा का चश्मा वो नहीं पहनती है। उनको दिखाइए कि टीना के चश्मा पहन लिए तो उतार लीजिए उसको, और शीशा का चश्मा पहन लिए और देखिए कि यूपी में क्या है।
और यूपी ने भारत में क्या है और मोदी जी ने क्या किया है, योगी जी ने क्या है, आपको दिख जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जिसका परिवार नहीं है वह लोगों के लिए सोचता है, अपने लिए आज तक नहीं सोचता है, और जिसकी बहन आज भी एक दुकान चलाती है और कैसे जीवन जीती है, वैसे योगी पे ये सवाल उठाती है, ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए था, नोटिस तो गया ही था इन्हें। योगी जी बार बार इसको छोड़ देते हैं कि यह एक महिला है, और ये अपने आप को क्षत्रिय कुल की बताती है। सबसे बड़ा तो शर्म का बात यह है कि क्षत्रिय कुल में हमारे यहाँ पद्मावती जैसी नारी हुआ करती थी, यह कैसी नारी है, यह एक नारी के नाम पे कलंक है। नेहा सिंह यह लतखोर है, राठौर नहीं है। राठौरों का जमाना कुछ और था, और राठौर बहुत अच्छी तरीके से बातों को समझाया करते थे और जंग लड़ते थे भारत के लिए, ये कैसी राठौर है? ये भी बिहार के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए जंग ही लड़ रही है, उनके विकास की बात कर रही है। अरे महाराज फेसबुक पे नाचे गावे से जंग लड़ना हो जाता है, तुमको जंग लड़ना है तो सड़क उतर के जंग लड़ो, उनके लिए आवाज उठाओ। तुम YouTube और Facebook पर ऐसे वीडियो को बना लेती हो, काबा इसे जकर आप मर्द पीछे से झाला ढोलक बजते रहता है, मर्द को भी तुम बना दी हो उल्टा सीधा, नहीं बोलना चाहिए, नाच पर का जो होता है लवंडा टाइप का ना, वैसा ही अपना मर्द को ही बना दी है। आपने जो है नचनिया हलैया है, भजनिया हलैया है, सोचना ही नहीं है। ये सब क्या करेगा, ये सब केवल टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए कुछ कुछ बोलते रहती है, और ये लोग को कांग्रेस प्लेटफॉर्म एक दे दिया है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये लोग को जगह दिलवाता है बोलने के लिए। बकने विरोध करिए किसी पार्टी का तो दूसरा पार्टी आपको सहमत देगा ही ना। अगर जाहिर सी बात है, अगर हम नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं तो कोई नरेंद्र मोदी जी को अपमान भी करता होगा, गाली भी देता होगा। पूरक है, सिक्के का दो पूरक होता है, एक चीट और एक पट, तो दोनों एक समान नहीं हो सकता है, अलग होता है। नेहा सिंह राठौर को समझना पड़ेगा कि आप किसके ऊपर उंगली उठा रही हैं, जिसने अपना हर कुछ त्याग दिया, और योगी जी जैसे संत के ऊपर आप सवाल उठा रही है, तो यह खोट आप में है, योगी जी में खोट नहीं है। आज योगी जी जैसे व्यक्ति को संपूर्ण भारत पूजता है, संपूर्ण भारत चाहता है कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी होने चाहिए। क्यों चाहता है, कुछ तो है बंदे में ना। अगर योगी जी चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में तो हम लोग का हृदय लगा हुआ रहता है कि योगी जी मुख्यमंत्री बने वहां से, वैसे संत आगे आने चाहिए, नहीं तो हिंदू ध्वजा और हिंदू धर्म। नेता आप लोग नेहा सिंह राठौर का विरोध कीजिएगा। अरे एकदम लतखोर, उसका विरोध क्या करना है महाराज, नेहा सिंह लतखोर, नेहा सिंह राठौर नहीं, नेहा सिंह लतखोर, उसका विरोध नहीं करना है। अब मुंह से कुछ और निकलवा दीजिएगा, वैसे माँ पिताजी को भी उनके शर्म आता होगा, उनका वीडियो देखती होंगी तो, और कहते होंगे लेकिन ये है बरबोलापन वाली, हिप्पी कटबाल कटवा ली है, टीना का चश्मा लगा ली है, आंख से बड़का तो इसका चश्मा का फ्रेमे है, अब सोचिए कि का देखेगी का बोलेगी। नेहा सिंह राठौर लगातार अभी चर्चा में बनी हुई है, पहले पवन खेसारी को लेकर चर्चा में बनी हुई थी, फिर उनका जब एक्स पे ट्वीट वायरल होता है उसको लेकर चर्चा में बनी हुई है, वो लगातार ट्वीट कर रही है, वो कह रही है, जो शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे किया उस शब्द को बोलने में भी लोग असमंजस कर रहे हैं, लोग बोल भी नहीं पा रहे। आपको बता दे उन्होंने पहले राम जी के लिए अभद्र शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद राम भक्तों को उसी शब्द का प्रयोग करते हुए कटाक्ष किया है। आई खबरों के लिए बने रहे, जय हिंद।